हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में कोई भी कहीं पे भी ज्यादा देर बैठे नहीं रहना चाहता है। सभी को उठना है, चलना है और फिर जोर से दौड़ना है। दूसरों को पीछे छोड़ सभी आगे निकलना चाहते हैं। आज किसी के पास पेशेंस नहीं है। अगर आप किसी को भी कहें कि आपको एक ही जगह पे 2 से 3 घंटे बैठे रहना है तो वो सोच में पड़ जाएगा। जी हाँ, आजकल थिएटर्स में भी लोग 3 घंटे की मूवी देखने में एक जगह बैठे रहने में कतराते हैं। आज हमारी जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि चलते चलते भी हम अपने सेलफोन पे लगे रहते हैं। हम एक साथ 3-4 काम करते रहते हैं। लेकिन दोस्त, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कोई इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है और उसे जिंदगी भर बैठे रहना होगा तो उसकी हालत कैसी होती होगी? आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। नाम ईस्थर वर्गीर। ईस्थर पेशेवर खेलों में सबसे अधिक सफल खिलाड़ी रही हैं। वे व्हीलचेयर टेनिस खेला करती थी। ईस्थर ने अपने करियर के दौरान 48 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स, 23 ईयर एंड चैंपियनशिप और 7 पैरा ओलंपिक खिताब जीते। 1999 से लेकर 2013 में उनके रिटायरमेंट तक वे व्हीलचेयर टेनिस में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बनी रहीं। उन्होंने लगातार 470 मैच जीते। ये तो कुछ है उनकी सफलता की बातें हुई, लेकिन इन सफलताओं के पीछे कितनी मेहनत लगी थी, चलिए जान लेते हैं। 6 साल की उम्र में तैराकी सीखने के बाद उन्हें चक्कर आने लगे और बाद में वे बेहोश हो गईं। उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां पता चला कि उनके दिमाग में तरल पदार्थ जमा हो गया है। वे 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहीं। हालांकि जून 1989 में उन्हें सरदर्द, आंखों के पीछे दबाव और गर्दन में दर्द का अनुभव हुआ। जांच के बावजूद डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी साल अक्टूबर के महीने में उन्हें कमर के आसपास दर्द की शिकायत होने लगी। फिर छुट्टियों के मौसम के दौरान उसे दौरा पड़ना शुरू हो गया। 15 जनवरी 1990 को उनका 9 घंटों का ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन के बाद उनके दोनों पैर पूरी तरह से असमर्थ हो गए। मार्च के महीने में उनका एक और ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उनकी हालत और बुरी हो गई और वे लकवाग्रस्त हो गईं। लेकिन ईस्थर ने हार नहीं मानी। जैसे ही उनकी हालत थोड़ी सी सुधरी, उन्होंने व्हीलचेयर पर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस सीखना शुरू कर दिया। क्लब स्तर पर कई साल बास्केटबॉल खेलने के बाद उन्हें राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। वे 1997 में यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने वाली डच टीम के साथ खेली। वो आगे बढ़ती रही और सिडनी में 2000 पैरा ओलंपिक के दौरान उन्होंने एकल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए एक भी सीट नहीं गंवाया और अपने साथी के रूप में माइक सिमिट के साथ युगल खिताब भी जीता। उन्होंने 1998 के व्हीलचेयर टेनिस मास्टर भी जीता। 2003 सीजन के दौरान ईस्थर उस टीम का हिस्सा थी जिसने फाइनल में अमेरिका को हराकर 16वीं बार विश्व टीम कप जीता था। उन्होंने नॉटिंघम में भी एक खिताब जीता। तो देखा ना दोस्तों, जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे हर टूर्नामेंट में जिताती रही। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिविटी को कभी भी आपके ऊपर हावी ना होने दे। एक और ऐसी ही कहानी के साथ मैं अनिमेश आपसे मिलूंगा अगले वीक। तब तक सपने देखते रहिए।